जाजपुर रे क्राइम ब्रांच टीम जाजपुर टाउन थाना रे दुईटी टीम थिबाबेले प्राथमिक तदंत करुछंती। क्राइम ब्रांच डीआईजी चरण सिंह मीना जाजपुर जिल्ला रे पहुंची छंती। धर्मशाला विधायकों आक्रमण घटना रे क्राइम ब्रांच हाथ को जाइछि तीनोटी मामला। तीनोटी टीम गठन करी तदंत आरंभ करछि क्राइम ब्रांच। एडीजी विनय तोष मिश्रा प्रत्यक्ष तत्वावधान रे तदंत करुछि क्राइम ब्रांच। तेरे संपर्क में अधिक अपडेट देवा वर्तमान आम सहित सीधा सड़क जोड़ी आम प्रतिनिधि परमेश्वर बेरुआ। परमेश्वर जेहेतु वर्तमान क्राइम ब्रांच तनाखना करुची, क्राइम ब्रांच घाटू पूरा घटना से दिन कौन घटी किए किए एथेरे रही जेते खोलताड़ आरंभ हो जाए वर्तमान स्थिति आप देखते अपडेट यार भितर कौन आसुची परमेश्वर निहाति आप देखिपे वर्तमान सीधासख दृश्य देखु क्राइम ब्रांचर जो दुईट टीम वर्तमान जाजपुर थाना भितर थिले सेमाने वर्तमान स्पॉट ऊपर को जीवा कथा कहा जाउची जोठी कारण दुईट घटना पर पुलिस तदन करुची क्राइम ब्रांच तदन करुची एवं क्राइम ब्रांच जो दुईट टीम वर्तमान जाजपुर थानार दुईट केस 469 470 गोटे हूँ थाना घेरू आ गोटे हूँ हाट पाखे गंडगोल होता घटना पर तदन कर वर्तमान आम देखुले गोटे टीम वर्तमान क्राइम ब्रांच बाहरी जाइए अर्थात आम कहीपर जो हाट घटना जो गंड उपर सी पूरा तदंत कर छानबीन कर वर्तमान आउ गोटे टीम जाजपुर टाउन थाना अच्छी जीक वर्तमान टाउन थाना भितर गंडगोल समय कौ कौ मैंने कौन से गंडगोल घटना घटीला तार सीसीटीवी फुटेज जांच करने सहित पूरा घटना उपरे तनाघना करुच्ची जदि आम कहीपर घटना को कौटना कौटे पूरा संवेदनशील भाव में निया वर्तमान जी डीआईजी रही सीए आसिकी जाजपुर पहुंची सारी चरण सिंह मीना और सीए घटनास्थल रही सीधा सड़क दृश्य देखा ये होची जाजपुर टाउन थाना चित्र जोठी कि दुईट क्राइम ब्रांच टीम पहुंची थे आज सका दुईट टीम थाना भितर पूरा घटना पर जांच प्रक्रिया करुले कि कथा उठू जे पूरा घटना जो तीनो मामला निजाई 330 सदर थाना केस नंबर जो थे कि आक्रमण कर धर्मशाला विधायक को सी गोटे केस रही सहित तो आउ दुईट केस अर्थात तीनोटी केस रो जो छानबीन कर क्राइम ब्रांच टीम एवं जो कथा आम कहते जे जो रही दुईट जाक टीम वर्तमान जाजपुर टाउन थाना रे थिबा बेले तदंत गोटे प्रकार आरंभ हो जापर कि समय पर जमापड़े प्राथमिक तदंत कौन टीम करुच्ची विशेषकर जदि आम कहींपर जाजपुर टाउन थाना जो सीसीटीवी फुटेज को जांच करना को आसी सीसीटीवी फुटेज जांच करने सहित प्रकृत पक्षे पूरा तीनोटी घटना रे लिंक कौन रही कारण गोटे पटे हिमांशु शेखर साहू को आक्रमण करा घटना जहाँ सदर थाना अंचल घटी आउ गोटे घटना थिला जाजपुर टाउन थाना घेरौ एवं अन्य आउ गोटे घटना थिला बीरजा जो हाटरे जो गंडगोल तेब ये तीनोटी घटना सहित कौन सामंजस्य रही कौन संपर्क रही प्रकृत पक्षे जो मैंने घटना घटे जो मैंने हिमांशु शेखर साहू को आक्रमण करते सहित थाना रोक थाना घेरौ सहित हाटर जो गंडगोल रही सहित कौन संपर्क रही ये संपूर्ण घटना उपरे कोटना कोटी क्राइम ब्रांच तदंत गोटे प्रकार आरंभ कर जेछि। तबे परमेश्वर केते जन को वर्तमान पक्ष रे पचरा उचरा करा गलानी सेनी कोन से अपडेट आसी पारु छि कि देखो तो पचरा उचरा जो कथा कहा जाऊँगी वर्तमान सुधा तो पचरा उचरा आरंभ करा जाए कि गोटे प्रकार आम जी कहींपर जो डॉक्यूमेंटेशन रही आउ जो सीसीटीवी फुटेज रही जो सीसीटीवी सब लगी आम जी कहींपर जो जाजपुर टाउन थाना जो सीसीटीवी लगी सीसीटीवी जो फुटेज रही से दिन जो 20 तारीख दिन रात कौ मैंने थाना घेराव करते पूरा सीसीटीवी की तन तन करके जांच कारण प्रत्येक सीसीटीवी फुटेज मूल्यवान वर्तमान कारण से ही जमापड़ प्रकृत पक्षे जो मैंने उपस्थित थे से मैंने हुए तो विधायक आक्रमण संपृक्त नथिले तो एवं विधायक आक्रमण घटना विधायक जो कथा कहते आक्रमण में जी खोद रही पूर्वतन विधायक जाजपुर प्रणव प्रकाश दास जो भाई भव प्रसाद दास संप्रति कथा जोबले उठाऊ सी भव प्रसाद दास से समय जाजपुर टाउन थाना जो घेरो होता से उपस्थित थे फुटेज जांच करा एवं गोटे कथा आम जी कहींपर ये जो जो फुटेज जांच कला हाटर जो गंडगोल होता हाट गंडगोल में कौ मैंने संपृक्त थे तार जांच करा एवं ये पूरा घटना को जांच करागला निष्कर्ष बाहर जो प्रकृत पक्षे हिमांशु साहू को जो आक्रमण कर हिमांशु साहू जो अभियोग आणुचे हिमांशु साहू को आक्रमण पचरे कौटना कौटी जे बीजेडी सांगठनिक संपादक और ता सहित पूर्वतन जाजपुर विधायक प्रणव प्रकाश दास भाई भव
ଭବପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ହାତ ରହିଛି। ଇଏ ଘଟଣାର ସ୍ପଷ୍ଟି ଆସିବ, କାରଣ ଭବପ୍ରସାଦ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଅର୍ଥାତ୍ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ବିରଜା ହାଟରେ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା ସେ ଘଟଣା ଏବଂ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଯେଉଁ ଥାନାରୋକ ହୋଇଥିଲା ସେ ଘଟଣାରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ କଥା ଗୋଟିଏ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏ ଦୁଇଟି ମାମଲା ସହିତ ବିଧାୟକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାର ଯେଉଁ ମାମଲା ହୋଇଥିଲା ତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ପୁରା ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଟିମ୍ ରହିଛି ଇଏ ତଦନ୍ତ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଇଏ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସବୁ ଲିଙ୍କ ରହିଛି ତାର ଖୋଳତାଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି ଯେହେତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଆପଣ ନଜର ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।